हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स मीडिया। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो फलहार होता है। हम उसे व्रत में या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा। मैंने एक कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर मैं इसे भून रही हूँ लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर। हमें इसे करीब 10 मिनट तक भूनना पड़ेगा, तभी इसका बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी और फिर अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ ना हो। अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। ये सारा प्रोसीजर करते समय फ्रेंड गैस की फ्लेम बहुत ही धीमी रहेगी, क्योंकि सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट में ही सिंघाड़े का टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स कट करके। अब मैंने थाली को ग्रीस किया है और उसमें हमने जो मिश्रण बनाया था उसको मैंने फैला दिया है। फ्रेंड, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा जो सिंघाड़े का आटा बहुत थिक हो जाएगा। तो देखिए, मैंने तुरंत ही उसे कट लगाकर आधे घंटे रख कर फिर उसकी प्लेटिंग कर ली है। कट लगा कर रखने से हमें जब ये सेट हो जाएगा तो हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, तैयार है हमारा सिंघाड़े के आटे का हलवा, जिसे आप फलाहार के रूप में या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कभी भी आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।